एपिसोड 328, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। कुछ समय पहले वो अरमान ही था जिसको ये कबूल करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो इस उम्र तक वर्जिन था, और वहीं वो आज ये बात खुलकर कह रहा था। तनुजा ये सब देखकर हैरान थी। तभी तनुजा अचानक से कहती है, हाँ तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, वरना तुम तो 29 साल के होने के बाद भी वर्जिन थे। अगर तुम्हारी बॉडी मेरे छूने पर रिस्पॉन्ड ना करती तो तुम तो अभी भी वर्जिन ही होते। तुम्हें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। अरमान 2-3 सेकंड के लिए चुप रहता है और फिर कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर ये मत भूलो कि मैंने भी तुम्हें बहुत बार सेटिस्फाई किया है। ये एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए भी तो अच्छा था। अरमान तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो, तनुजा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है। तनुजा के दिल की धड़कन अब तेज होने लगी थी। उसका मन कर रहा था कि वो गुस्से में अरमान को वहां से बाहर निकाल दे। अरमान तनुजा को देखते हुए कहता है, तुम मानती हो ना कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सही है? चलो अब जल्दी से पेपर साइन कर दो। तनुजा अपने दांतों तले होंठ दबाते हुए कहती है, तुम सच में बहुत बेशर्म हो। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी गहरी आंखों को देखकर कोई लड़का दीवाना हो सकता था। साथ ही साथ तनुजा की वो रिवीलिंग ड्रेस अरमान को उसकी तरफ और अट्रैक्ट कर रही थी। अरमान जो कि इतने दिनों से तनुजा से दूर था, उसका यही दिल कर रहा था कि वो अभी के अभी तनुजा को अपनी बाहों में भर ले। मेरे पास तुमसे एक बच्चा मांगने का पूरा हक है, मेरे पास इसके लिए सबूत भी है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम पर केस करना होगा। इसके बाद अरमान अपनी नजरें नीचे झुकाता है और तनुजा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम तो जानती हो ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें कितनी बड़ी रकम मुझे देनी पड़ेगी। तनुजा भी अरमान की तरफ देखती है। अचानक उसका गुस्सा कहीं खो गया था और वो काफी शांत नजर आने लगी थी। हालांकि अरमान ने ये कहा नहीं था, पर तनुजा जानती थी कि अरमान इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा। अरमान इतना रिच था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए तनुजा को ये नाराजगी थी कि अरमान को इस सब का सहारा लेने की क्या जरूरत थी। आज वो दोनों वैसे भी अकेले थे और उनके पास अपनी गलतफहमी को दूर करने का बहुत अच्छा मौका भी था। तनुजा अच्छी तरह जानती थी कि अरमान कैसा इंसान है। वैसे भी तनुजा को भी अरमान से सिर्फ एक बच्चा ही चाहिए। वो जानती थी कि एक बार वो अरमान के बच्चे की माँ बन गई तो कभी अरमान उससे दूर नहीं जा पाएगा। मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे दूरी बनाए रखोगे। तुम इस तरह मुझसे मिलने रोज रोज नहीं आ सकते। तुम्हें महीने में कुछ ही दिन मिलेंगे। ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तनुजा को लगा कि उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसे उसने अरमान को सच भी नहीं बताया और ऐसा करके उसे ये डर भी नहीं रहेगा कि कहीं अरमान उससे दूर न चला जाए। पहले तनुजा अरमान को सच बताना चाहती थी, पर अरमान ने ये कह दिया था कि आशिमा से अच्छा उसके लिए कोई भी नहीं है। इसलिए तनुजा चाहती थी कि अरमान आशिमा के साथ ही जाकर रहे, क्योंकि इस बात ने उसके दिल को बहुत दुख पहुंचाया था। एक बार जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो अरमान ना चाहकर भी उसके पास दौड़ा चला आएगा। ये सब तनुजा अच्छी तरह जानती थी। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, वैसे भी मुझे तुमसे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, ना कि तुम। तुम्हें अपने फैसले पर डटे रहना होगा, अरमान हंसते हुए कहता है। अरमान अच्छी तरह जानता था कि तनुजा क्या प्लानिंग कर रही है। तनुजा ये सब इसलिए कह रही थी ताकि आशा को ये ना पता लगे कि अरमान और वो अभी भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। वैसे आशा ने जो लोग तनुजा और अरमान पर नजर रखने के लिए खरीदे थे, उन सबको भी अरमान ने आशा से भी ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया था। अरमान ये सब तनुजा को तब बताने वाला था जब वो प्रेग्नेंट हो जाती। अगर अरमान तनुजा से ये सब बातें अभी बता देता तो शायद उसे डैडी बनने के लिए और इंतजार करना पड़ता। अरमान तनुजा से उसकी ही तरह एक नन्ही सी और क्यूट सी बेबी गर्ल चाहता था। वो उसे गोद में उठाकर हर जगह घूमता और तो और जिमी को चिढ़ाता। वो जानता था कि उसका और तनुजा का बच्चा सबसे ज्यादा क्यूट और खूबसूरत होगा। अगर उन्हें लड़का हुआ तो अरमान फिर भी ट्राई करता रहेगा, क्योंकि उसे हमेशा से बेबी गर्ल चाहिए थी। अरमान नहीं चाहता था कि तनुजा को लड़का हो। अगर तनुजा को लड़का होता तो वो बिल्कुल खुश नहीं होता। अरमान का मानना था कि बाप और बेटा पुराने जन्म के दुश्मन होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तनुजा बेरुखी से कहती है। अब जाकर तनुजा को समझ आने लगा था कि आखिर क्यों दर्शन और सीमा अरमान को पसंद नहीं करते थे।
तनुजा का ये मन कर रहा था कि या तो वो खुद मर जाए या अरमान को मार दे। लेकिन वो अरमान को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि वो उसकी जिंदगी में कितना मैटर करती है। वो चाहती थी कि अरमान उसके आगे गिड़गिड़ाए और कहे कि वो उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मैं दिलप्रीत को पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैं अपने डैड को जेल से बाहर निकालना चाहती थी। अरमान गुस्से से जवाब देता है, अगर मेरी बॉडी भी किसी और लड़की के छूने से रिस्पॉन्ड करती ना तो मैं भी ये बच्चा तुमसे ना मांगता। इस पर तनुजा बेरुखी सी नजर से अरमान की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाती है। उसकी आंखों में अरमान के लिए प्यार बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आज जो कुछ भी अरमान ने कहा उसकी वजह से तनुजा अरमान से बहुत नाराज थी। लगभग कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहे। तभी अचानक अरमान ने वो पेपर टेबल पर फेंकते हुए कहा, अब जब हमने अग्रीमेंट कर ही लिया है तो क्यों ना तुम इस अग्रीमेंट पर साइन कर दो। कहीं तुम अपनी बात से मुकर ना जाओ, इसलिए तुम्हें ये पेपर साइन ही करने पड़ेंगे, अरमान कहता है। अचानक तनुजा उस पेपर पर एक खाली एरिया को देखते हुए कहती है, तुम मुझसे मेरे ओव्यूलेटरी पीरियड में ही मिलने आओगे, ना कि बाकी दिनों में। इसके बाद अरमान ने तनुजा को ऐसे देखा जैसे मानो वो उसे छेड़ रहा हो। वैसे मुझे तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी चलेंगे, पर अगर तुम ऐसा कुछ चाहती हो तो भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तनुजा के कान लाल पड़ चुके थे। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मुझसे बच्चा सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी मेरे छूने पर रिस्पॉन्स करती है, इसका मतलब क्या था? तुमने टेस्ट ट्यूब बेबी का जिक्र तो किया ही नहीं, अरमान थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है। तुम एक लड़की हो, तुम्हें इतनी बड़ी बात इतनी स्ट्रेट फॉरवर्डली कहने में शर्म नहीं आती? आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा कि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, फिर चाहे मैं कितनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों ना हूँ, मैं तुम्हारे जितनी बेशर्म तो हूँ नहीं। तनुजा एक गहरी सांस लेती है। तनुजा अरमान के सामने कुछ भी बोलने से हिचकिचाती नहीं थी क्योंकि वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल जो थी। अरमान तनुजा की बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो सामने टेबल पर रखा पेपर उठाता है और तनुजा से कहता है, यह है कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, इन्हें पढ़ सकती हो तुम। इन पेपर्स पर तुमने ये मेंशन नहीं किया कि तुम मेरे ओव्यूलेटरी पीरियड में ही मुझसे मिलने आओगे, तनुजा पॉइंट आउट करके कहती है। ऐसा कहाँ लिखा है कि ओव्यूलेटरी पीरियड में ही प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांस होते हैं? अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम अभी गूगल कर सकती हो, अरमान कहता है। तनुजा हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम चाहते हो कि तुम मुझसे रोज मिलने आओ? इतने बड़े बड़े सपने देखना बंद करो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं करूंगी, और रही बात पैसों की तो तुमसे पैसे खर्च करने के लिए मैंने तो नहीं कहा था ना। वैसे तनुजा अरमान की बात मान भी लेती, पर आज जो कुछ भी अरमान ने कहा उसकी वजह से वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो अरमान से बेरुखी से ही बात कर रही थी। ठीक है, अरमान कुछ देर तक तनुजा को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारता रहा। फिर वो तनुजा को कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए एक बार और कहता है। तनुजा वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है और उस पर साइन कर देती है। फिर अरमान कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स अपनी पॉकेट में रख लेता है और अपनी शर्ट उतारता है। उसकी मसल्स साफ साफ उभर कर नजर आ रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो, तनुजा कंफ्यूज होकर कहती है। तुम सब जानती हो, अरमान कहता है। शायद तुम भूल रहे हो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं। अभी मेरा ओव्यूलेटरी पीरियड नहीं चल रहा। अचानक अरमान अपना फोन निकालता है और उस पर एक एप्लीकेशन खोलते हुए कहता है, ये देखो, इस ऐप में तो शो हो रहा है कि अभी तुम्हारा ओव्यूलेटरी पीरियड चल रहा है। सॉरी, पर मेरी एप्लीकेशन में ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा, तनुजा वो एप्लीकेशन खोलकर अरमान को दिखाती है। अरमान उदास होकर कहता है, ये कैसी बकवास एप्लीकेशन है, सब गलत शो कर रहा है, अभी के अभी इसे अनइंस्टॉल कर दो।